कसी आहे पब्लिक, आज की डेट हो गई 12 मार्च, सुबह के कितने बज रहे हैं? इट इज 8 o'clock, ठीक है। निखिल मेरा कॉलेज फ्रेंड्स निखिल मेरे साथ है और आज आपको बताइए मुंबई में शुरू होने जा रही है मुंबई कोस्टल रोड, जिसकी शुरुआत हुई अक्टूबर 2018 में और कितना पैसा खर्च हुआ निखिल? 12,000 करोड़। आप यहाँ देख लीजिएगा, लगभग 12,000 करोड़ से बनी और अभी पूरी बनी नहीं है, अभी तो सिर्फ 10 किलोमीटर का स्ट्रेच ओपन किया गया है और वो भी वन वे, यानी कि वर्ली टू मरीन ड्राइव। दो एंट्री हैं अगर आप देखोगे, एक है बिंदु चौक, एक वो हो गया, और दूसरा आप देखोगे यहाँ पर ये लोटस जंक्शन से है ना, आप देखो यहाँ से ही आप लोग एंट्री कर रहे हैं। इट इज़ 8:10 और पब्लिक के लिए अब कोस्टल रोड ओपन कर दिया गया है और आपको देखने को मिलेगी इंडिया की पहली अंडर वाटर। हाँ निखिल, आज तो पानी में होके जाएंगे, बिना पानी से गिले हुए। चलिए एक और आपके लिए एक्सक्लूसिव धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और अगर आप मुंबई से देख रहे हो पूरा ब्लॉग देखिएगा, 10 किलोमीटर का जितना भी स्ट्रेच है ना, देखो यहाँ से अब हम एंट्री करने वाले हैं, पूरा वो आपको दिखाएंगे। तो मेरा नाम है डोलिश, मेरा नाम है निखिल, और आप देख रहे हैं हमारे साथ 200 जर्नी, आपके लिए बैक टू बैक एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट। और कौन कौन लोटस जंक्शन के आसपास से देख रहा है जरा बताइएगा। देखो अब सीधा हम यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं, अब सीधा आपको पहले ऊपर वहाँ लेके चलेंगे, अंदर क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, कितनी स्पीड है, कितना आपको टोल देना है, सब आपको डिटेल में बताया। सीधी सादी बात है, 12,000 करोड़ कहाँ खर्च हुए हैं, विटनेस करने जा रहे हैं भाई साहब। चलो पूरा आपको स्ट्रेच दिखाएंगे, जो मुंबई कोस्टल रोड जो आपको कनेक्ट करता है फ्रॉम वर्ली मरीन ड्राइव आप कह लीजिए टू कांदिवली, साउथ टू नॉर्थ। पहले भी एक व्लॉग बनाया था बट आज इसको ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, पहले आपको पूरा दिखाते हैं। और यहाँ से आप देखो मुंबई कोस्टल रोड पर हम एंट्री करते हुए, टाइमिंग का आपको बता दूँ सुबह 8 से शाम को 8 बजे खुलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वीकडेज। देखो लोग जाने लग गए हैं, वीकेंड्स को इट इज़ क्लोज, प्लीज़ ध्यान रखिए। जैसे आपको बताया सुबह 8 से 8, और ये देखिएगा एकदम चमचमाते निखिल, एकदम चमचमा नजारे के साथ। क्या सुबह 8 बजे, सुबह सुबह 8 बजे निकल, फर्स्ट डे फर्स्ट शो फर्स्ट राइड, क्या बात है। ये देखो मुंबई कोस्टल रोड के आपको नज़ारे हम दिखाते हुए यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले टाइमिंग्स का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बिकॉज लोग थोड़ा क्या, कल रात को भी लोग आ गए थे, बस सिर्फ 8 बजे से 8 की एंट्री है और सिर्फ वन वे है, यानी कि ये वर्ली से ये लोटस जंक्शन से अगर आप लेना चाहें, ये दूसरा जो चौक बताया आपको, वहाँ से एंट्री करके आप मरीन ड्राइव पर निकलोगे, 9.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का स्ट्रेच, ये देखिएगा क्या बात है निखिल, मज़ा आ गया बिल्कुल। फर्स्ट डे फर्स्ट राइड हमारी चलती हुई यहाँ पर, और आपको बताइए होगा कल ही इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय द CM, कल सुबह 11:30 बजे इसका इनॉग्रेशन हुआ और आज 12 तारीख से ये पब्लिकली ओपन कर दिया गया है। एक्साइटमेंट है, देखो दूर से आप देखो भाई साहब, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे है ना, टोल देना नहीं है, टोल फ्री रोड है, बिल्कुल पैसा वसूल करेंगे जो टैक्स दे रहे हैं, क्या बात है। देखो यार दूर से अगर आप, काश मैं आपको एरियल व्यू दिखा पाता, बट मज़ा आ गया। ये देखो फर्स्ट डे फर्स्ट राइड आपके लिए, और अभी तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ, मेरे को देखनी है टनल। हाँ निखिल, जो अंडर वाटर सी टनल आएगी इंडिया की पहली अंडर वाटर टनल, वो देखेंगे। इसमें 2-3 एग्जिट भी दी गई हैं, देखो बिल्कुल आज शुरुआत है तो फिलहाल मेरे पास उतनी जानकारी है नहीं, बट आप देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बाइक्स अलाउड नहीं, पेडेस्ट्रियंस अलाउड नहीं, बसेस वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, बसेस खाली बेस्ट की बस हो गई या गवर्नमेंट बस वगैरह अलाउड करेंगे। निखिल स्पीड का ध्यान रखना, 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम है ना। हाँ टनल में कुछ आए, अरे भाई साहब क्या देखो, स्पोर्ट्स कार देखो क्या भागती हुई, इसको तो छूट दे दी भाई साहब, भगा। ऐसी रोड आपको मुंबई में मिलेगी भाई साहब? रोड नहीं है तो कैमरा वगैरह भी है, बट सबसे अच्छी बात बिकॉज इस रोड को कनेक्ट किया जाएगा टू बैंड्रा वर्ली सीलिंग। अभी देखो बता रहे हैं मे बी बाय मार्च एंड शायद कनेक्ट हो जाए, बिकॉज वहाँ भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट देश तरक्की करता हुआ। मुंबई में पहले ओपन की गई थी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL, जिसका व्लॉग मैंने आपके सामने लाया था। अब देखो यहाँ पर देखो एग्जिट दिया गया है भूला भाई देसाई रोड, देखो यहाँ पर एक एग्जिट दिया गया, देखो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो धीरे धीरे प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बनता जाएगा। सिर्फ 10 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको दिया गया है, और जो टाइम लगता था ट्रैफिक में अपने को निकल सीधा लेना है, अपन निकलेंगे, अपन चलेंगे नरीमन पॉइंट यानी कि मरीन ड्राइव, अपन निकलेंगे प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर। ये देखो यहाँ पर ये इन्होंने एग्जिट दे दिए, जहाँ टाइम लगता था 1 घंटे आप कह लीजिए 1.5 घंटे, अब सेम जर्नी आप कवर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ये इंडिया टनल बिल्ड बाय LNT, जरा यहाँ रुकेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, जरा रुकेंगे।
फर्स्ट क्लास राइड चल रही है, बिकॉज आज क्या है फर्स्ट डे है और अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, तो हमने सोचा थोड़ी हद देखो हमने यहाँ गाड़ी रोकी है और आप यहाँ देखिएगा, आप देख सकते हो वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल दैट इज ऑल्सो बिल्ट बाय L&T। देखो लोग अभी अभी गाड़ी देख रहे हो ना, देखो आप ये रफ्तार सुनिए, कितना लोगों ने इस चीज़ के लिए इंतज़ार किया। मुंबई कोस्टल रोड इज फाइनली ओपन फॉर पब्लिक। अब चलिए अंदर आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कैसे जाना है पानी के अंदर से बिना गिले हुए। और स्पीड का ध्यान रखिएगा, स्पीड कितनी निकल 60 अंदर टनल के अंदर 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड आपको मेंटेन करनी है। देखो अभी यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब ऐसा ही बताया गया है मुंबई कोस्टल रोड के आसपास लगभग 250 एकड़ में एक सेंट्रल पार्क भी बनाया जाएगा लोगों के लिए। जैसे जैसे बनता जाएगा मेरा देश आगे बढ़ रहा सबसे अच्छी बात है मुंबई में यार, आमची मुंबई में आपको पता ही है द सिटी विच नेवर स्लीप्स, यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है। सबसे अच्छी बात है अब ये ओपन हो गया और सोचिए आप मरीन ड्राइव से टू द नॉर्थ यानी कि कांदीवली विद इन, अब देखो टाइम शायद 40 मिनट्स में आप वो कवर कर पाएंगे। चले निखिल चले, और नज़ारा कितना खूबसूरत है भाई भाई। और शाम को आइए और सोचिए जब महाराष्ट्र में मुंबई में बारिश होगी, गरम गरम पकौड़े मिल जाए, मुंबई कोस्टल रोड दिल, इस बोर्ड को देख के ना दिल खुश हो गया, छाती ठोक के एक लाइक कर दो यार, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर सी टनल और वो भी आपके मुंबई में। और अब आपको लेके चल रहे हैं इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर सी टनल, आप देख सकते हो फ्लावर्स वगैरह सब डेकोर वगैरह देख लीजिए, बिकॉज कल ही जैसा मैंने आपको बताया इसका इनॉग्रेशन किया गया। यस निखिल जी हमारे साथ, हमारे निखिल जी मौजूद हैं, बिल्कुल थोड़ा चलेंगे स्पीड मेंटेन करेंगे बिकॉज लोगों आपको दिखाना है, सिर्फ इसलिए थोड़ा सा अभी फिलहाल हम गाड़ी की स्पीड थोड़ी मेंटेन कर रहे हैं। देखो एमरजेंसी लेन, नो पार्किंग वगैरह, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं प्लीज़ साफ़ सफाई बनाए रखिएगा, बिकॉज आपको पता है मुंबई ट्रांस हार्बर पर इनिशियल डेज में ही मतलब कचरा वगैरह देखने को मिला था, वो ना हो। आप देखिए आवाज़ निखिल, आवाज़ सुन रहा है निखिल, आवाज़ कैसी आ रही है? मस्त मस्त एकदम फर्स्ट क्लास आवाज़ आ रही है। देखो यू आर एंट्रिंग इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल दैट इज़ ऑल्सो बिल्ट बाय L&T। चलिए आपके लिए छोटा सा होमवर्क, L&T की फुल फॉर्म क्या है अगर जवाब पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। लाइट्स देखिए, अभी सोचो हम दिन में आए तो आपको ये नज़ारे हैं, निखिल जब रात में आएंगे ना लाइट चमक रही होंगी, ये समझ लो अंदर जाने के पहले गूज़बम्प्स की फीलिंग आ रही है, कमाल फीलिंग आ रही है ना, तो क्या बनाया यार ये? क्या बनाया तो अक्टूबर 18 में काम चालू हुआ और देखिए आपके सामने 6 साल बाद, आप कह लीजिए लगभग 6 साल बाद यहाँ पर, मजा आ गया यार फर्स्ट राइड करके सच में। बट प्लीज स्पीड को मेंटेन कीजिएगा, साफ सफाई बनाए रखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अलग अलग जगह CCTV कैमरा वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया, आप देखोगे पूरा टनल यहाँ पर क्या ज़बरदस्त टनल बनाया है। आपको थोड़ा सा मैं मैप पे और दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो हमने यहाँ से एंटर किया है, अब जो मुंबई से होंगे वो ये देख पाएंगे, देखो हमने यहाँ से एंटर किया है अभी हम यहाँ जा रहे हैं, देखो ये मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मे बी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हम ये गिरगांव चौपाटी के नीचे से ही शायद क्रॉस होंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है। जो पूरी जर्नी आपको बताई दैट इज़ 10 किलोमीटर्स और जो टनल बताई जा रही है वो है 2 किलोमीटर का स्ट्रेच। देखो अभी तक हम टनल में थे, अब देखो बाहर आए और यहाँ देखो बाहर इन्होंने कितना सुंदर कवर अप कर रखा है, सामने नरीमन पॉइंट हो गया, मरीन लाइन स्टेशन, कालवा देवी प्लस मंत्रालय, आप देखो यहाँ पर। आई गेस निखिल अब हम बाहर आ चुके हैं अंडर वाटर सी टनल से, यस अब मे बी अब हम ये निकले हैं मरीन लाइन की तरफ, यस अब ये देखोगे ये आ गया प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर, यस। तो जो लगभग 2.7 आप कह लीजिए किलोमीटर का वो टनल थी, वो टनल भी हुई ख़त्म, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। और देखो यहाँ पर आप बाई चांस अगर मुंबई घूमने आ रहे हो तो आपके राइट हैंड साइड पर आपको मिलेगी मरीन ड्राइव, तो ये आप देखो हमारा यहाँ पर राइड होती है ख़त्म। प्लीज़ फिर से बता दूँ सिर्फ वर्ली से मरीन ड्राइव अभी चालू है, आप अपोजिट नहीं जा सकते हो, सिर्फ वन वे चालू है, लेकिन कहीं भी साइड में रोकेंगे ज़रा लोगों से और बातचीत करेंगे। और देखिए क्या कितना सुंदर प्रोजेक्ट इन्होंने कनेक्ट किया है, लाजवाब। हाँ निखिल 10 किलोमीटर की जर्नी करके आ गया, मजा आ गया और टोल फ्री, मैं तो सोच रहा हूँ एक और करके आएंगे। Once more, भाई चांस अगर आपका घूमने का मूड है ना सच में आप यहाँ पर घूम भी सकते हो। तो पूरी जर्नी करके जो फेज वन है मुंबई कोस्टल रोड का, अब हम करके देखो हम यहाँ पर आ चुके हैं। आपको ये दिखा दूँ जैसा आपको बताया गया दिस इज ओनली वन वे, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो वो आप देख रहे हो वो वाला टनल, ये वाला टनल है मरीन ड्राइव से जाने का, बट वो अभी पब्लिकली ओपन नहीं किया गया है, लेट्स सी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब कितना टाइम लगेगा क्या होगा लेट्स सी। पूरा आप सोचिए हम अंडर सी टनल पूरा क्रॉस कर आए, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ साफ़ सफाई बनाए रखिएगा। देखो इतना ज़बरदस्त इंफ्रा डेवलपमेंट आपको कंट्री में देखने को मिल रहा है, जगह जगह ब्रिजेस बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, अब कोस्टल रोड भी आपके सामने। और सोचिए जब पूरी कोस्टल रोड तैयार हो जाएगी, यहाँ से आप देखोगे प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से
टू कांदिवली नॉर्थ में। आप सोचिए जर्नी करने में क्या मजा आएगा। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग, एक छोटा सा वीडियो आपके सामने मुंबई कोस्टल रोड का बनाया, ठीक है ना। निखिल एक्सपीरियंस कैसा रहा? शानदार, मजेदार, दमदार। आह क्या बात है, यहाँ पर आप देख सकते हो मरीन ड्राइव, आप देख लीजिए जिसे कहा जाता है द नेकलेस ऑफ मुंबई। थोड़ा अगर जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, देखो वहाँ पर आप देख सकते हो मुंबई कोस्टल रोड की जो टनल है वहाँ पर देखिए, अभी सब कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ। लेट्स सी अब पूरा स्ट्रेच बनने में कितना टाइम लगेगा, फिर आगे उसके बारे में कभी बात करेंगे, ठीक है। दिस इज डोलेश, दिस इज निखिल, साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। आपके सामने बैक टू बैक एक्सक्लूसिव व्लॉग्स आते रहे, और स्पेशली बिकॉज मैं खुद हूँ, हम खुद हैं मुंबई से, तो आपके सामने मुंबई कोस्टल रोड का व्लॉग नहीं आए तो यार फिर बात ही क्या है। मतलब ही क्या है, मतलब ही क्या है। देखो यहाँ पर आप मुंबई के, आपको सुबह के 9 बजे के मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ नाश्ता पानी करेंगे और फिर जाएंगे घर, और फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है। टाटा, टेक केयर, और फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साफ़ सफाई प्लीज़ बनाए रखिए, और जो रोड है प्रॉपरली यूज़ करें, यूज़ करिए, है ना, इंसानों की तरह यूज़ करें। पब्लिक प्रॉपर्टी है तो ढंग से यूज़ करो भाई, क्योंकि वो पब्लिक के लिए बनी है ना, सिर्फ प्राइवेट के लिए नहीं। टाटा।